वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो भारतीय अपवाह तंत्र है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र और पंचमहानद, इसके बारे में समझेंगे। हालांकि ये जो नदी है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में शामिल है और अरब सागर में जाकर ये गिरती है। अगर हम भारतीय मानचित्र को देखें तो इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है। जिस प्रकार अपन बात करें, अगर ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें इसका उद्गम तिब्बत से होता है और उसके बाद ये लेह लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर पीओके में होके हुए पाकिस्तान में ये चली जाती है। तो ये जो नदी है सिंधु नदी, इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है उसको समझेंगे, और साथ ही पंच महानद यानी कि पांच नदियों का जो समूह है, जो सतलज, झेनब, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब नदियां हैं। ये पांच महानदियां इसमें मिलती है और एक पूरा बेसिन और इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सिंधु नदी को पूरा समझते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र क्या है और कौन-कौन से क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। तो पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि सिंधु नदी के बारे में हम समझेंगे। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, तो ये शुरू होता है जो मानसरोवर झील है तिब्बत, वहां से। तो इसको हम भारतीय मानचित्र पर देखें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है भारतीय नक्शे का, एक रफ मैप में ड्रॉ करता हूँ और इसमें अपन इसकी स्थिति को समझेंगे, क्योंकि मैप से समझना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू मैं सारा एक साथ लिख दूँ। हालांकि इस चीज़ को लिखेंगे भी, पर इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो हम बात कर रहे हैं कहाँ से, मानसरोवर झील से। ये है मानसरोवर झील, और मानसरोवर जो झील है वो है तिब्बत में। तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर मानसरोवर झील है। और अगर ग्लेशियर की बात पूछे हमसे कि कौन सा ग्लेशियर है, तो उसका नाम आता है बोखरचू ग्लेशियर। काफी बार हमने नाम सुना है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। तो बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील और तिब्बत, तीनों ऑप्शन में है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में है तो वो हमारा राइट उत्तर होगा कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो तिब्बत से हुआ है, मानसरोवर झील से हुआ है और बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है। अब ये जो है, ये तिब्बत में इसको एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को हमको ध्यान रखना है, सिंगी खम्बान। तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसका जो नाम है वो क्या है, सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में। और या फिर इस सिंगी खम्बान को अपन हिंदी में देखें तो इसका नाम होता है शेरमुख, यानी शेर के समान मुख वाला। तो शेरमुख या सिंगी खम्बान नाम है इसका किसमें, तिब्बत में। और इसका जो भारत में प्रवेश है वो होता है लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में इसका प्रवेश हो रहा है भारत में। तो ये जो बिंदु है जहां पर भारत में इसका प्रवेश है, ये कौन सा क्षेत्र है, लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख में भी अगर जगह नाम पूछे तो दम चौक, क्या नाम है, दम चौक जगह का नाम है और लेह लद्दाख में इसका प्रवेश होता है। और भारत में जो इसका अपवाह क्षेत्र है, भारत में जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो दो श्रेणियों के मध्य है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है ये, तो दो श्रेणियों को अपन यहाँ इंगित कर लेते हैं। जो ऊपर वाली जो श्रेणी है ये है लद्दाख श्रेणी, और नीचे जो श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। तो ये हो गई लद्दाख श्रेणी और ये है
जास्कर श्रेणी। जब हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा था तो ट्रांस हिमालय में हमने सारी श्रेणियां पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि काराकोरम श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी कौन सी है, जास्कर श्रेणी कौन सी और कैलाश श्रेणी कौन सी है। और इन श्रेणियों में जो विभिन्न प्रकार के दर्रे हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश कर रही है दमचोक से, और किसके बीच बह रही है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी में, और साथ में ये पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में भी बहती है। तो अब इसमें भारत में इसमें कुछ सहायक नदियां भी मिलती हैं, उनमें अपन कुछ नदियों की बात करें तो इसमें एक नदी मिलती है गिलगित नदी। क्या नाम है? गिलगित नदी इसमें मिलती है। गिलगित पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके वाले क्षेत्र है वहां से इसमें मिलती है। एक और नदी इसमें मिलती है स्वात नदी। क्या नाम है? स्वात नदी भी इसमें, इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, मतलब इसमें मिलने वाली है, सहायक नदी भी इसको कह सकते हैं। दो तरह की कंसेप्ट होते हैं, अगर कोई नदी किसी में आकर मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और कोई नदी किसी से निकलती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर उसकी वितरिका, हिंदी में वितरिका और अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटरी उसको कहा जाता है। तो गिलगित नदी इसमें आकर मिल रही है और स्वात नदी इसमें आके मिल रही है। वैसे दो नदियां और हैं, एक तो है श्योक नदी जो इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान रखना है, श्योक नदी, और एक और नदी है वह है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी। तो कौन कौन सी नदियां हो गई? गिलगित, स्वात, श्योक और नुब्रा, ये कुछ नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। और किस तरह साइड से मिलती है? राइट साइड से मिलती है। अगर इधर से देखें तो लेफ्ट साइड से भी कुछ नदियां इसमें मिलती है, जिसमें एक नदी का नाम आता है क्या? सुरु नदी। सुरु नदी। और एक और नदी इसमें मिलती है जिसे बोलते हैं, जो जास्कर श्रेणी से ही निकलती है और जिसका नाम भी क्या है? जास्कर नदी। जास्कर नदी। तो इतने सारे तथ्य हो गए। मानसरोवर झील से निकली थी ये, दमचोक में इसका प्रवेश भारत में हुआ जो लेह लद्दाख में एक स्थान है, और उसके बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें हमने बात करी, श्योक, स्वात, जास्कर, सुरु और गिलगित नदी। और ये सब जो नदियां हैं ये जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसमें मिलती हैं, और उसके बाद ये जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और साथ में पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो पीओके वाला क्षेत्र है, पीओके वाले क्षेत्र में ये गोर्ज का निर्माण करती है। उस गोर्ज का नाम हमको ध्यान रखना है, वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बुंजी गोर्ज। बुंजी गोर्ज जो भारत का सबसे बड़ा गोर्ज है। तो पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है पीओके, तो पीओके में एक गार्ज बनाती है, उस गार्ज का क्या नाम है? बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज। और ये कहाँ है? पीओके में। और इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा गार्ज। अब बात यहां पे आती है कि गार्ज होता क्या है, गार्ज क्या है। तो गार्ज को हम समझे तो सबसे पहले हमें समझना होगा वी आकार की घाटी को, कि जब भी जो पर्वत जो हुए हैं उनके बीच में नदी के द्वारा अपरदन से या फिर प्राकृतिक अपरदन की क्रिया द्वारा वी आकार की घाटी बन जाती है। ये जो घाटी है ये वी आकार की घाटी है और इसमें नदी का प्रवाह हो रहा है, तो नदी के प्रवाह या उसके पानी के कटाव से वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ। और वी आकार की घाटी जब थोड़ी चीज चौड़ी हो जाती है, जब थोड़ा इसका आकार और चौड़ा हो जाता है और ये नीचे से समतल कर देती है जमीन को अपरदन करके, तो इसी को बोला जाता है गार्ज। इसी को क्या बोला जाता है? गार्ज। और इसका आकार और बड़ा हो जाए नीचे से, और ये थोड़े समतल दिखने लगे और घाटी कुछ इस प्रकार चौड़ी हो जाए, तो इसी को, इसका जो ये बड़ा रूप है इसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। जैसे हमने जब विश्व का भूगोल पढ़ा था तो उसमें हम अमेरिका में बहुत सारे ग्रैंड कैनियन,
ठीक है, ये सब देखते हैं जो कोलोराडो के पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित था। तो ये कैनियन क्या होता है, गार्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा। तो वी आकार की घाटी का ही विस्तृत रूप क्या है, गोर्ज है। तो ऐसा सबसे बड़ा गोर्ज कौन सा है भारत का, वह है बुंजी गोर्ज। किसके द्वारा निर्मित है, जो सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है, कहाँ पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और कौन से पर्वत पर निर्मित है, तो नंगा पर्वत हमें ध्यान रखना है, पर्वत का नाम भी हमें ध्यान रखना है, नंगा पर्वत। तो यहां पर निर्मित है सबसे बड़ा गोर्ज। उसके बाद ये नदी किसमें प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब ये प्रवेश करती है तो उसके बाद ये मैदानों में बहती है, क्योंकि यहाँ तक पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत में बहती है। तो सर्वप्रथम मैदानों में उतरती है पाकिस्तान के अटक में। तो हमें इस नदी को, और ये आगे बहती हुई जाती है, और एक जगह है पाकिस्तान में अटक, और अटक जो पाकिस्तान में जगह है वहां पर ये सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहां पर प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों में प्रवेश होता है इसका कहां पर, पाकिस्तान में अटक नामक स्थान पर। और यहां पर इस नदी में एक और जगह हमें ध्यान रखनी है, जिसका नाम है मैथानकोट। मैथानकोट, और मैथानकोट भी कहां है, पाकिस्तान में है। और पाक में मैथानकोट जो जगह है वहां पर इस नदी में पंचमहानद मिलता है, मतलब पांचों जो महान नदियां हैं वो कौन सी जगह पर आके मिलेगी, मैथानकोट पे। उन पांचों नदियों की बात हम करेंगे, पर मैथानकोट जगह हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद ये नदी आगे बहती हुई जो है कहां पर मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिलती है। और इसी नदी के किनारे एक शहर स्थित है पाकिस्तान में, जिसका नाम हमें ध्यान रखना है, वह कराची। तो कराची जो शहर है वो किसके किनारे है, इसी सिंधु नदी के किनारे है। तो हमने सिंधु नदी के बारे में ये सारी चीजें देखी, और इसकी जो भारत में लंबाई है वो लगभग, भारत में लंबाई है इसके 704 किलोमीटर इस पूरी नदी की। और कुल लंबाई की बात करें अगर इसकी, तो इसकी जो लंबाई है वो हमें ध्यान रखनी है, लगभग 2900 किलोमीटर, या फिर एग्जैक्ट अपन कहें तो 2880 किलोमीटर भी लिखा हुआ है किताबों में। तो 2880 या 2900 किलोमीटर ध्यान रखना है। और भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है, भारत में सिंधु नदी की लंबाई है लगभग 704 किलोमीटर, 704 किलोमीटर, और 704 किलोमीटर ये लंबी है। और पाकिस्तान और भारत की कुल लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर है। तो हमें इतना लंबाई पे सवाल आता नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और भारत की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। और साथ ही अगर इसकी टोटल लंबाई यहाँ से देखें, मानसरोवर झील से निकल के अरब सागर में जहाँ तक मिलती है, तो लगभग 2900 किलोमीटर हमें ध्यान रखना है मोटा मोटा, कि इतनी इसकी लंबाई है। तो ये सिंधु नदी के बारे में सिंपल से प्रश्न यहाँ भी पेपरों में भी देखने को मिलते हैं, कि उद्गम कहाँ से हुआ, तो मानसरोवर झील। संगम कहाँ पर हो रहा है, तो अरब सागर में। तिब्बत में क्या नाम है, सिंगी खम्मान। और भारत में बहती हुई किस प्रकार का क्षेत्र इसके द्वारा निर्मित होता है, उसकी भी हमने बात करी। अब इसके साथ ही जो नदियां हैं जो इसमें मिलेगी, और जिसके बारे में हमने एक शब्द भी देखा था कि हम पंच महानदों के बारे में भी देखेंगे, तो उनके बारे में हम समझते हैं कि पंच महानद कौन कौन से हैं। तो पंच महानद, पंच महानद यानी पांच नदियों का समूह, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, और सतलज नदी को अपन समझते हैं, सतलज नदी के उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम है ये भी तिब्बत से होता है, और तिब्बत में एक झील है, उस झील का नाम है राक्षस झील।
राक्षस झील या राक्षस झील या राकेश झील, बहुत सारे नाम अलग अलग किताबों में देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऑथेंटिक नाम है वो राक्षस झील है, वो कहाँ पर है? तिब्बत में। वहां से किसका उद्गम हो रहा है? सतलज नदी का। और इसका जो संगम है वो सिंधु नदी में होता है। किसके थ्रू? चिनाब के थ्रू। मतलब ये पहले चिनाब में मिलेगी, फिर उसके बाद सिंधु नदी में जाकर मिलती। तो चिनाब के साथ किस में मिलती है? सिंधु नदी में। तो सिंधु में संगम हो जाएगा इसका, और सिंधु किस में चली जाएगी? अरब सागर में। तो ये भी किसका पार्ट हुआ? एक अरब सागर अपवाह तंत्र का पार्ट हुआ। और भारत में जो इसका प्रवेश है हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल पंजाब में ये बहती है। और इसका एक और प्राचीन नाम अक्सर पूछा जाता है, जिसका प्राचीन नाम है सतुद्री। ऋग्वेदिक कालीन नदी है और ऋग्वेद में इसका नाम है सतुद्री। और सतुद्री नदी जो है वो भारत में हिमालय और पंजाब में बहती है। और साथ में इसके बारे में और तथ्य देखें तो ये तिब्बत में लांग चोन नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम भारत की स्थिति के हिसाब से मैप में इसको बनाएं, क्योंकि जब मैं अपन मैप में ड्रॉ करते हैं कोई चीज़ को तो वो अपन को काफ़ी देर तक याद रहती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ज्योग्राफी में कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैप से समझने का प्रयास करें, ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो हमने बात करी कि इसका जो उद्गम है वो है राक्षस झील, जो भी कहाँ है? तिब्बत में। सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही थी, ये भी राक्षस झील तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये। और वहाँ पर एक दर्रा हमें ध्यान रखना है, शिप किला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, शिप किला दर्रा। सारे दर्रे हमने देखे थे और हमने शिप किला दर्रे की विशेषता भी वहाँ पे देखी थी कि ये भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो शिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवेश है, उसके बाद इसका अपवाह हिमाचल और पंजाब में। और तिब्बत में इस नदी को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम का हमें ध्यान रखना है कि वो नाम कौन सा है? लांग चोन। क्योंकि जैसे ही ज्योग्राफी चेंज होती है बहुत सारी नदियों के नाम चेंज हो जाते हैं, तो इसका नाम है लांग चोन नाम, जो कहाँ पर है? तिब्बत में। और इस नदी पर हमें दो बांध याद रखने हैं, और वो दोनों बांध है, एक बांध है बांखड़ा बांध और एक बांध है नांगल बांध। तो बांखड़ा और नांगल बांध है इस नदी पर। बांखड़ा बांध और एक है नांगल बांध। बांखड़ा जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो नांगल बांध है ये पंजाब है। बहुत बार हमने सुना है कि बांखड़ा नांगल एक साथ बोला जाता है, ये एक ही बांध का नाम ना होकर अलग अलग बांध है। और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है वो यही है भाखड़ा बांध। तो इसकी एक विशेषता ये भी हम लिख सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे जो ऊंचा बांध है ऊंचाई के आधार पर। दो तरह के तथ्य हमको ध्यान रखने होते हैं, एक तो ऊंचा बांध और एक बड़ा बांध। बड़ा बांध वाटर कैपेसिटी के हिसाब से उसको बोला जाता है, जैसे चंबल पे महाराणा प्रताप सागर बांध है तो वो बड़े बांधों में काउंट होता है, क्योंकि उसकी वाटर कैपेसिटी, उसका जो रिजर्वायर है वो काफी ज्यादा है। ऊंचाई मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, जैसे टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई सबसे अधिक मानी जाती है। तो भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जो बांध है वो बाखड़ा बांध है, लगभग इसकी 225.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बाखड़ा बांध भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध ना होकर दूसरा सबसे ऊंचा बांध की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो हालांकि जो पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, तो
उस समय जो उस समय हस्ताक्षरता नेता थे, हस्ताक्षर जिन्होंने किए थे नेहरू और अयूब खान में पाकिस्तान की तरफ से, तो उस समय जब नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो नेहरू जब ये बांध बने तो उन्होंने जब इस बांध को देखा तो वो जब चकित रह गए इसको देख के, और उन्होंने इसको चमत्कारी विराट वस्तु नाम दिया था। तो बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस बांध को किसने चमत्कारी विराट वस्तु बोला या पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर बोला। तो ये तथ्य काफी बार पूछे गए एग्जामों में कि पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा किसे दी गई है या चमत्कारी विराट वस्तु किसे कहा गया है। तो वो यही बांध है जो बाखड़ा नांगल बांध है। हालांकि इनका जो कार्य है बाखड़ा नांगल बांध का, वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में देखूँ तो 1953 से 1961 के बीच में इसका कार्य चला, ठीक है। और जो अब इसी के बीच में 1960 का दशक पड़ा, और 1960 जो सन है उसमें सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 19 सितंबर को, तो वर्ल्ड बैंक का उसमें सहयोग था। तो पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से नेहरू ने उस पर साइन किया था। जो उनमें सिंधु नदी जल समझौता, अगर सिंपल सी बात हम समझे तो जो पंच महानदियों में जो ऊपर की तीन नदियां हैं, तो ऊपर की तीन नदियों में ये माना गया कि जो 80% पानी का यूज कौन करेगा, पाकिस्तान, और जो 20% पानी है वो उसका प्रयोग करेगा भारत, ठीक है। और ये उसमें ये भी डिसाइड हुआ कि भारत उस पर कोई परियोजना लगा सकता है। तो भारत ने बहुत सारी परियोजनाएं उस पर लगाई, जैसे तुलबुल परियोजना हुई, ठीक है। तो बहुत सारी परियोजना भारत ने लगाई, पर उस परियोजना से क्या हुआ कि जो भारत के ऊपर पाकिस्तान ने दबाव बनाना चालू किया कि भारत पानी का ज्यादा उपयोग कर रहा है, और वही विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, वो अभी तक चल रहा है। तो ऊपर की नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे की नदियों का जो 80% पानी है वो भारत यूज करेगा। यही मोटी मोटी बात सिंधु नदी जल समझौते में थी। तो हम बात कर रहे थे कि नेहरू के द्वारा इन बांधों को, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे परियोजना ही चालू होना चालू हुई, और जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, तो पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ प्लान किए जाते थे कि भारत को हम इन 5 सालों में ये चीजें नई नई देंगे। और उसी जो विकास के दौर में जो ये नए बांधों का निर्माण चालू हुआ, तो बाखड़ा और नांगल बांध उन्हीं शुरू के बांधों में से है। तो नेहरू ने द्वारा जब इन बांधों को देखा गया, तो नेहरू के द्वारा इन बांधों को किसकी संज्ञा दी गई, दो नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक तो है चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी गई, और पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर। अगर हिंदी में लिखने में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि इतना अच्छा मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो चमत्कारी विराट वस्तु और पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर किन के द्वारा कहा गया, नेहरू के द्वारा जब यहाँ पर इनका आंकलन किया गया। हालांकि बाखड़ा जो बांध है इसके पहले एक जलाशय भी है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। यहाँ पर एक जलाशय मिलता है, गोविंद सागर जलाशय, तो ये भी जलाशय, गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील भी इसको लिख सकते हैं, गोविंद सागर झील। तो ये है कुछ बातें जो सतलज नदी के बारे में हमने ध्यान रखनी है। और ये आगे जाके किस में मिलेगी, इसका संगम एक और नदी में होएगा, और उसके बाद ये आगे चल के जो है सिंधु नदी में जाकर मिलेगी। तो ये है पंच महानदियों में पहली नदी सतलज नदी। तो सतलज नदी की हमने बात करी, तो हम इसको एक बार मोटा मोटा नक्शे पे देखें। तो ये इस तरह से है कि ये इंडिया का रफ मैप है, और इसमें हमने एक नदी की बात करी शुरू में, सिंधु नदी। सिंधु नदी का लेह लद्दाख में प्रवेश हुआ, और उसके बाद ये
पाकिस्तान में बहकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से ये अरब सागर में मिल गई। हमने दूसरी नदी की बात करी, सतलज नदी की, और सतलज नदी जो है वो भी तिब्बत से राक्कस झील से निकली, और इसमें एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम हैगा व्यास नदी। तो ये तो हो गई सतलज, सतलज में आएगी व्यास, ठीक है। और हमने बात करी यहाँ पर दो बांध इस पे, एक तो है बाखड़ा बांध और एक है नांगल बांध। कौन सी नदी आकर इसमें मिल रही है? व्यास नदी। व्यास नदी इसमें आकर मिलती है, और साथ में ऊपर एक और नदी जाती है रावी नदी, और चंद्र और बागा नदियां आपस में संगम करके एक नदी का निर्माण होता है, वह है चिनाब नदी। और चिनाब नदी में ऊपर से एक नदी आकर मिलती है झेलम। तो ये तो हो गई झेलम, ये हो गई चिनाब, ये हो गई रावी। तो ये पूरी एक चिनाब नदी की धारा पूरी बड़ी बनती है, और इसमें आगे चलकर सतलज नदी मिलती है, और मेथानकोट में जाके, मेथानकोट जो पाकिस्तान में है वहां पर जाके ये पांचों नदियां आपस में मिलकर एक बड़ी धारा बनाकर इसमें मिल जाती है। तो ये पूरी जो है पांचों नदियां हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बांध है, जैसे हमने बात करी, ये तो हो गया बांखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद रावी पे एक बांध है जिसको नाम बोलते हैं थीन बांध। झेलम पे भी दो बांध, दो परियोजना हमको ध्यान रखनी है, एक तो है तुलबुल, एक है किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना, ठीक है। तो हालांकि जो व्यास और सतलज है इसके बीच में दो, एक लिंक नहर भी निकाली गई है, एक लिंक नहर है व्यास सहज लिंक नहर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है और इस वाले जो क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए एक लिंक नहर निकाली गई है। हालांकि बहुत सारी लिंक नहरें इंडिया में बनाई जा रही है ताकि जो बीच वाला क्षेत्र है उसको भी पूरा पानी मिल सके, ठीक है। वैसे भी व्यास पे दो बांध भी है, क्योंकि जलापूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्रों में, एक तो है पोंग बांध, पोंग, एक है पंडोह बांध, एक है पंडोह बांध। तो ये कुछ बांध है। तो हमने बात करी सिंधु नदी की, अब हम बात करते हैं व्यास नदी के बारे में, कि जो व्यास नदी है उसके बारे में देखते हैं। पंच महानदियों में व्यास नदी, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम, इसके उद्गम की बात करें तो व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। कौन से कुंड से? व्यास कुंड। कहां पर है? हिमाचल में है, और हिमाचल में जो पर्वत श्रृंखला है जहां पर व्यास कुंड है वह धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका हो रहा है उद्गम। इसका संगम किस में जाकर ये नदी मिलती है? तो वह हमने बात करी सतलज में जाकर ये नदी मिलती है, और सतलज में जो मिलती है तो वहां पर जो क्षेत्र है वह है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज तो सतलज में जाकर मिल गई। तो हमने जैसा कि बात करी थी कि व्यास नदी किस में जाकर मिलती है? सतलज में जाकर मिल जाती है। ये व्यास आई, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से ही निकली और आके किस में मिल गई? सतलज में आकर यहाँ पर मिलती है, और ये मुख्य धारा बन के आगे फिर बढ़ेगी और आगे चिनाब में जाकर मिलती है। तो सतलज में इसका संगम हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो भारत के दो राज्य से लाभान्वित है, एक तो हिमाचल, हिमाचल और पंजाब, इन दो क्षेत्रों में ये बहती है। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोला जाता है प्राचीन में बिपाशा, वैदिक कालीन नाम है, ऋग्वेदिक कालीन बिपाशा। तो बिपाशा इसका प्राचीन नाम हो गया। प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया हिमाचल और पंजाब, और ये जो है ये पूरी तरह भारत में बहने वाली नदी है, पूर्णतः भारत में बहने वाली नदी है ये। कौन सी? व्यास नदी, क्योंकि देखो भारत में निकली और भारत में ही कहां पे मिल गई? सतलज में। तो पूर्णतः भारत में बहने वाली नदी है पांचों नदियों में,
तो ये इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है, ये हमको स्टार मार्क करके लिखनी पड़ेगी कि यह नदी जो है पांच महान नदियों में, पंच महानद जो है पांच महान नदियों में एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है। तो भारत में पांचों महान नदियां जो झेलम, चिनाब, रावी जो है, उन नदियों में एकमात्र नदी है व्यास, जो किस में बहती है, पूर्णतः भारत में बहती है। और इस पर दो बांध निर्मित है, उन बांधों का नाम हमें ध्यान रखना है। बांध तो ये व्यास परियोजना के तहत हिमाचल में दो बांध है, इस पे एक बांध है पोंग बांध और एक है पंडोह बांध। कहां पर है दोनों? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग और पंडोह बांध है इस नदी पर, जिससे वहां की जो परियोजना है उससे बहुत सारी जो क्षेत्र है वो लाभान्वित है। अच्छा, बैराज क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बैराज लिखा, जैसे चंबल पे कोटा बैराज स्थित है, तो बैराज क्या होता है? तो बैराज जो है स्पेशली सिंचाई के पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बांध का एक ही रूप होता है, पर इनको स्पेशली किसके लिए बनाया? जैसे बांध के लिए तो बांध का जो निर्माण किया जाता है वहां से बिजली बनाई जाती है और बिजली आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जाती है। पर बैराज का स्पेशल पर्पस ये है कि वो सिंचाई के लिए बनाया जाता है। हालांकि इसका जो उद्गम है व्यास नदी का वो धौलाधर पर्वत से हो रहा है, और जो रावी नदी है और चिनाब नदी है उसका उद्गम भी धौलाधर श्रृंखला से ही होगा। तो हमने बात करी व्यास नदी के बारे में, हम अगली नदी देखते हैं जो पंच महानदियों में तीसरी नदी का नाम है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? धौलाधर पर्वत से। उद्गम है धौलाधर पर्वत और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के धौलाधर दर्रे से इसका उद्गम है, और सॉरी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत से इसका उद्गम है, और एक दर्रे का नाम आता है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम हो रहा है, रोहतांग दर्रा। और इसका जो संगम है किसमें जाकर मिलेगी? ये चिनाब में जाकर मिल जाती है। और इसका जो पुराना नाम है वो हमें देखना है, पर्युषिणी या फिर परुषिणी। तो प्राचीन वैदिक कालीन नाम इसका क्या है? प्राचीन नाम इस नदी का है पर्युषिणी, या फिर कहीं जगह इसको परुषिणी भी लिखा जाता है। ये इसका प्राचीन नाम। अब प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका जो प्रवाह है, प्रवाह जो है एक तो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है तो वहां पर इसका प्रवाह क्षेत्र होगा हिमाचल, और हिमाचल के साथ जम्मू एंड कश्मीर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो और साथ में पंजाब वाला क्षेत्र भी इससे लाभान्वित है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब में बहती है रावी नदी, और हिमाचल प्रदेश में इसमें एक बांध परियोजना अपन को ध्यान रखनी है जो कि काफी महत्वपूर्ण बांध है, थीन बांध यहाँ पर एक है, उसको हमें ध्यान रखना है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये पूरा प्रश्न आ जाता है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। जैसे थीन दे दिया, बाखड़ा नांगल दे दिया, ठीक है, और तुलबुल परियोजना दे दी, पोंग बांध दे दिया, तो इनको मिलान करने वाले क्वेश्चन में डाल दिया जाता है और वहां से हमको पता चलता है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। तो ये रावी नदी पर मुख्य बांध है थीन बांध, हिमाचल में है स्पेशली, ये किसमें है? हिमाचल में। प्रवाह क्षेत्र है तीन राज्यों में, चिनाब में इसका संगम है और रोहतांग दर्रे के पास से ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उसके बाद अगली नदी की बात करें पंच महानदियों में तो वो है चिनाब नदी। उस नदी का नाम आता है चिनाब नदी।
और चिनाब नदी का जो उद्गम है वो भी धौलाधर पर्वत से हो रहा है, उद्गम धौलाधर पर्वत जो कि कहाँ है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो संगम है वह है सतलज में मिल जाती है, ये सतलज में मिलकर, सतलज में मिलकर कहाँ पर जाकर मिलेगी ये, सिंधु नदी में, क्योंकि ये सारी नदियाँ उसी में जाके मिल रही है। और इसका जो प्रवाह है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। तो ऊपर से आ रही है सिंधु नदी, ये हो गई सिंधु, और नीचे है से व्यास, सॉरी सतलज। और सतलज में मिलती है कौन सी नदी, व्यास, व्यास आके सतलज में मिल जाती है। रावी नदी और इसमें आके जो चिनाब नदी है, ये चिनाब, ये है रावी, और साथ में एक नदी और है जो है झेलम। अब ये सतलज आके चिनाब में मिलती है, और चिनाब कहाँ पर, मिथानकोट में, मिथानकोट में पाकिस्तान में मिल जाती है, और आगे चल के ये सिंधु नदी के साथ अरब सागर में मिलती है। तो ये पूरा चक्र है। तो चिनाब नदी कौन से दो राज्यों में बह रही, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, सतलज के साथ मिलकर, ये आगे चल के सतलज में मिली और इसके साथ मिलकर कहाँ पर मिलती है, सिंधु नदी में। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा कि सतलज के साथ मिलकर, सतलज में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी का प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम जो है इसका अस्किनी है, प्राचीन नाम, तो चिनाब का प्राचीन नाम है अश्किनी, अश्किनी या फिर अक्षिनी, क्या है ये, अक्षिनी, अक्षिनी इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होगा। अक्षिनी नदी है किसका नाम, चिनाब का प्राचीन नाम। तो प्रवाह है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, प्राचीन नाम है अक्षिणी। और हिमाचल प्रदेश में जो इसका नदी है, ये जब बनती है तो चंद्रभागा नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है, और जम्मू कश्मीर में इसमें जल विद्युत परियोजनाएं निर्मित है जिनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विवादित भी है पाकिस्तान के साथ। तो ये पॉइंट हम स्टार मार्क करके लिखेंगे कि इस नदी पर जम्मू कश्मीर में तीन परियोजनाएं हैं, ये बगलिहार, बगलिहार एक है, सलाल और एक है दुलहस्ती। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती तीनों परियोजनाएं कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिन्हें पाकिस्तान विवादित मानता है, विवादित मानता है। विवाद का क्या कारण है, जल का बंटवारा। हालांकि जल के बंटवारे के लिए सिंधु जल समझौता हुआ, और सिंधु जल समझौते में अभी जो प्रेजेंट में है भारत तो बात करने को तैयार है, पर पाकिस्तान उसमें कोई बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गलती पाकिस्तान की है, क्योंकि उस समय जो चीज़ें डिसाइड हुई थी उसी के हिसाब से भारत कार्य कर रहा है। तो एक बार सिंधु नदी जल विवाद जो है पूरा, या फिर सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ, उसको भी आप एक बार देख लेना नेट पे कि वो एक्चुअली में है क्या, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। तो उसको एक डिटेल में एक एनालिसिस कर लेना कि सिंधु नदी जो समझौता था वो इस प्रकार था, और किस किस के बीच में हुआ था ये तो हमने बात करी, पर एग्जैक्टली उसका जो फीचर्स थे वो आप पढ़ लेना। तो चिनाब नदी, चिनाब नदी के बारे में हमने बात करी कि इसमें तीन मुख्य परियोजनाएं, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं जो है ये विवाद का कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इस नदी के बाद हम अगली वाली नदी पे बढ़ते हैं जो है झेलम नदी।
और झेलम नदी के किनारे इतिहास में एक टॉपिक आता है हाइडेस पीस का युद्ध, तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है झेलम नदी, राजा पोरस का क्षेत्र है जिसने भारत के पुरुषार्थ का दमखम जो है यूरोप को दिखाया। तो झेलम नदी, इसका उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, उद्गम है इसका शेषनाग झील, शेषनाग झील, या फिर इसको बेरी नाग भी कहा जाता है, बेरी नाग, बेरी नाग जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये क्षेत्र है, तो वहां से इसका उद्गम होता है। और संगम हमने देख ही लिया कि संगम किस में जाके मिलेगा, ये चिनाब नदी में मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पर ये मिलेगी, जो झेलम नदी है वो किस में मिलती है, चिनाब में आकर मिल जाती है, और चिनाब आगे बढ़ती है और इसमें एक और नदी जो है रावी भी मिलती है, और ये आगे जाके सतलज में मिलती है और आगे चल के पाकिस्तान में जाके मिथानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये पूरा पिक्चर एक दिमाग में बैठ जाएगा आपके, तो ये चीजें याद रखनी ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो संगम किस में, चिनाब नदी में, प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाह क्षेत्र है, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये नदी प्रवाहित होती है। और जम्मू कश्मीर में दो परियोजनाएं हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसमें भी पाकिस्तान के साथ विवाद है, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना, दो इसमें ध्यान रखनी है। तो एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, इसका प्राचीन नाम भी, तो इसका जो प्राचीन नाम है वह है वितस्ता, वितस्ता नदी, वितस्ता नाम है किसका, झेलम का प्राचीन नाम। और इंपॉर्टेंट दो परियोजनाएं हमें ध्यान रखनी है, जम्मू एंड कश्मीर में दो परियोजना है, एक तो है किशन गंगा परियोजना और दूसरी है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, दोनों जम्मू कश्मीर में, और इन दोनों परियोजना को पाकिस्तान के साथ विवाद है हमारा, पाकिस्तान के साथ विवादित है, और विवाद का कारण हम सबको पता है क्या है, नदी है तो उसका विवाद का कारण क्या रहेगा, जिसका जल बंटवारा, उसका जो है, इसके किनारे एक शहर, एक नगर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर, श्रीनगर इस नदी के किनारे स्थित है। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो कुछ नदियां हैं वो सर्पिल आकार में बहती हैं, सर्पिल आकार में मतलब जैसे मान लो इसका उद्गम हुआ तो ये इस तरह से मान लो सर्पिल आकार में बह रही है, तो कभी कभी नदी जब बहती है तो उसका जो कुछ जल वाला क्षेत्र है वहां पर दलदली भूमि निर्मित हो जाती है, जैसे ये वाला बीच वाला क्षेत्र है, तो कुछ समय में ये दलदल बढ़ता हुआ ये मुख्य धारा को रोक देता है, ये मुख्य धारा के यहाँ पे आ गया और मुख्य धारा इससे रुक गई, और मुख्य धारा रुकने के बाद ये नदी यहीं से अपना जल यहाँ पर ले आती है और इस तरह ये बहने लगती है, नवीन नदी की तरह इसमें इस तरह से ये बहने लग जाती है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में पानी का जमाव हो जाता है, और पानी का जमाव होके ये दोनों तरफ से पैक हो गई, तो यहाँ पर एक झील जैसा बन जाता है, तो ये एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको ही बोलते हैं ऑक्स बो लेक, ऑक्स बो लेक या फिर गोखुर झील, उसी झील को क्या बोला जाता है, गोखुर झील या फिर ऑक्सबो लेक। तो निरंतर किसी नदी के प्रवास का अपने स्थान से कटकर वो नदी का, नदी में तो मिलता है पर वो क्या है कि कुछ अवरोध के कारण वहां पर एक नदी का निर्माण, झील का निर्माण हो जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील नाम दिया जाता है। और ऐसी झीलों में एक झील का नाम है उलर झील, तो उलर झील का निर्माण जो है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, उसका निर्माण जो है इस नदी के द्वारा हुआ, और एक गोखुर झील या फिर ऑक्सबो लेक का वो उदाहरण है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें ध्यान रखना है कि
गोखुर झील, गोखुर झील दैट इज ऑक्सबो लेक, ठीक है। गोखुर झील के रूप में उलर झील का निर्माण जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। झीलें भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक और एक मैनमेड या फिर कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई और उसका उसका पर्पस रहता है कि वहाँ पर पानी इकट्ठा करके आसपास जल की सप्लाई की जाए। तो एक तो प्राकृतिक झील है जो नेचर के द्वारा निर्मित है, तो ये गोखुर झील है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, गोखुर झील। और सर्पिल आकार या विशर्पा का आकार में बहती है कौन सी नदी? तो ये विशर्पा का आकार में बहने के कारण ही इसका निर्माण होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है पांच महानदियों और सिंधु नदी के बारे में। तो ये टॉपिक में हमने बात करी सब नदियों के और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो हालांकि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पर मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ कि सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था वो IR इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना कि वो क्या था और किस प्रकार से नदियों के बारे में उसमें बताया गया है। तो ये पांचों नदियों, पंचमहानद की बात की हमने, और साथ में इससे जो कौन कौन सी परियोजनाएं निकलती है भारत में उनकी भी हमने बात करी। तो इस टॉपिक को यही रहने देते हैं और आगे जो हम बात करेंगे और भी टॉपिकों के, भारत के अपवाह तंत्र में और भी बहुत सारी नदियां हैं जैसे गंगा नदी, पंचप्रयाग के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।